हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का हमारा प्रॉब्लम है बेसिक कैलकुलेटर। सो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें एक स्ट्रिंग एस दे रखा है जो कि क्या है, एक रिप्रेजेंट कर रहा है वैलिड एक्सप्रेशन को। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है, एक बेसिक कैलकुलेटर को इम्प्लीमेंट करना है और इवेलुएट करके जो आपका आंसर मिलेगा वो आपको रिटर्न करना है। ठीक है, और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर कोई भी बिल्ट इन फंक्शन यूज़ नहीं करना है। ओके, सो कंस्टेंट्स में क्या दे रखा है कि x का लेंथ जो होगा, s का लेंथ आपका 1 से लेकर 3 × 10⁵ तक हो सकता है। और इसमें क्या क्या होंगे, स्ट्रिंग में आपके प्लस होंगे, माइनस होंगे, ओपन पैरेंथेसिस होगा, क्लोज पैरेंथेसिस होगा और स्पेस भी हो सकते हैं, राइट। तो ये आपका वैलिड एक्सप्रेशन है, मतलब यहाँ पे जो ओपन पैरेंथेसिस दे रखा है, क्लोज पैरेंथेसिस दे रखा है, ये आपका वैलिड होगा। ठीक है, इनवैलिड नहीं होगा। ओके, मीन्स बैलेंस्ड होगा। और यहाँ पे आपको क्या करना है, जो कैलकुलेशन करना है आपको वो रिटर्न करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो आपका 1 डिजिट है, तो ज़रूरी नहीं है कि 1 डिजिट भी होगा, आपका जो इंटीजर का साइज हो सकता है ना, आपका 32 बिट इंटीजर तक हो सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे 1 डिजिट का भी होगा, 2 डिजिट का भी हो सकता है, 3 डिजिट का भी हो सकता है, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करते इस टाइम, राइट। तो यहाँ पर आप देखो 1 + 1 दे रखा है, ओके, और ये आपका स्ट्रिंग में दे रखा है, तो 1 + 1 दे रखा है, तो सिंपली इस इंडेक्स पे आपको 1 मिलेगा, तो 1 आप इसको नंबर में ऐड कर लोगे। अब प्लस देखोगे तो प्लस ऑपरेटर में आप इसको ले लोगे, 1 फिर नंबर है, फिर आपको यहाँ क्या करोगे, इसको नंबर में कन्वर्ट कर लोगे और उसको ऐड जो भी कर लोगे कैलकुलेशन करके, इसको यहाँ पे आप सिंपली फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे आपको कोई भी प्रायोरिटी डिसाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब पैरेंथेसिस होगा तब जाके आपको ना प्रायोरिटी की भी ध्यान रखनी होगी कि किसको हम पहले कैलकुलेट करें, किसको बाद में करें, है ना, तो हमें उस बात की ध्यान रखनी होती है। और प्लस माइनस में आपको पता ही होगा कि दोनों की प्रायोरिटी क्या होती है, सेम होती है, तो इस बात का इसमें ध्यान नहीं रखना होता है। ओके, सो फिर आपका 2 - 1 + 2 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कैसे कर सकते हो, तो यहाँ से आप देखोगे कि आपका नंबर 2 है, ठीक है, 2 है, उसके बाद माइनस है, माइनस 1, आपका 1 निकाल लोगे, फिर प्लस करोगे 2, 3 निकल जाएगा। ठीक है, कोड के बारे में मत सोचो, बस प्रॉब्लम देखो ये। ठीक है, कोड का हम देख लेंगे बाद में कैसे करेंगे। ओके, अब ये एग्जांपल ले लेते हैं हम। अब यहाँ से एक्चुअली मेन प्रॉब्लम यहाँ से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो एग्जांपल को थोड़ा मैं मॉडिफाई करती हूँ, आगे मैं क्या करती हूँ, इस पैरेंथेसिस से पहले 2 ऐड कर लेती हूँ। ठीक है, फिर 1 + 4 + 5 + 2 - 3 + 6 + 8। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 लेना है। ओके, 2 है आपके पास, फिर आपके पास क्या है, प्लस है। ओके, प्लस है, फिर आपके पास क्या आ रहा है, ओपन पैरेंथेसिस हो रहा है, तो इसमें जो ऐड होगा पहले आप इसको कैलकुलेट कर लोगे फिर ऐड करोगे, राइट। तो आप यहाँ पे कैलकुलेशन करने जा रहे हो तो इसको कहीं पर रखना होगा आपको, तो इसके लिए आप एक डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हो। क्या करोगे, हम आगे का कैलकुलेट करने जा रहे हैं, उससे पहले हम जो पीछे में हमने रखा हुआ है ना, उसको हम क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। पहले जो हमारा नंबर है उसको ले लेते हैं, फिर प्लस है, प्लस ले लेते हैं। ठीक है, ले लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, ओपन पैरेंथेसिस मिला, अब हमें समझ में आ गया है कि हमें अब क्या करना है, एक पार्ट पहले कैलकुलेट कर लेना है, फिर जाके उस यहाँ से हम इसको उठा के उसमें ऐड कर सकते हैं, जो भी होगा इस पे डिपेंड करेगा कि प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, जो भी करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ओपन पैरेंथेसिस आया, दैट मीन्स हमें क्या करना होगा, इस पार्ट को पहले डिसाइड करना होगा कि क्या मिला है हमें, राइट, प्रायोरिटी इसकी ज़्यादा है। तो अब फिर आपको यहाँ पे 1 मिलता है, ठीक है, 1 मिला हमें, फिर आपको प्लस मिलता है, ठीक है, प्लस मिला है, फिर आपको मिल जाता है क्या, 1, क्या मिल जाता है, नॉट 1, आपको मिल जाता है ओपन पैरेंथेसिस। ओके, फिर आपको समझ में आएगा कि इधर का जो कैलकुलेशन जो भी है उसमें हम तभी ऐड कर सकते हैं जब इस पार्ट को हम ऐड कर लेंगे, नॉट ऐड कर लेंगे, मतलब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तब जाके इस पार्ट में हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो इसको क्या करें, इसको क्या करें, फिर से इसमें इंसर्ट कर देते हैं, जो नंबर है उसको इंसर्ट कर देते हैं और यहाँ पे प्लस इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये कर लिया हमने, फिर हमने क्या क्या, इसके अंदर जाएंगे हम, इसके अंदर जाएंगे, राइट, तो 4 मिलेगा, ठीक है, फिर +5 होगा, ठीक है, फिर +2 होगा। ओके, तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपका, 11 हो जाएगा। फिर आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, क्लोज। तो आपको समझ में आ जाएगा कि अब एक पार्ट हमारा जो प्रायोरिटी थी जिसकी, वो ख़त्म हो चुकी है, मतलब ये पार्ट हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ओके, कैलकुलेट कर चुके हो तो आप क्या करोगे, जैसे ही आपको यहाँ से मिला तो इधर का जो पार्ट होगा इधर साइड में, तो
उसको इसमें ऐड हम कर सकते हैं, इसका मतलब हमें समझ में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उस पार्ट को क्या करेंगे, इससे निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इससे यहाँ निकालेंगे प्लस। तो इसका मतलब ये प्लस किसके लिए है बताओ, ये प्लस किसके लिए है, ये जो आपका होता है ऑपरेटर, ये आपका लेफ्ट साइड में होता है, और जिसके लिए होता है वो पार्ट आपका राइट साइड में होता है। तो राइट साइड में क्या है, 11 है, तो इसके लिए है, तो प्लस 11 इसके लिए है, ठीक है, प्लस 11 इसके लिए है। तो फिर हम क्या करेंगे, 1 को निकालेंगे, तो ये 1 होगा, ये क्या बन गया आपका 12 बन गया, ठीक है, 12 बन गया। फिर यहाँ पे माइनस है, ओके, माइनस 3, फिर ये 9 बन जाएगा, ओके। फिर ये क्या बनेगा, क्लोज मिलेगा आपको यहाँ पे, ओके, क्लोज मिल गया। दैट मीन्स अब हमने क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है हमें, देखो ये पार्ट हमें समझ में आ जाएगा कि क्लोज आ चुका है, तो हमें एक प्रायोरिटी पार्ट हम ख़त्म हो चुका है हमारा, तो हम इस साइड का जो पार्ट है उसको इसमें ऐड कर सकते हैं, इसका मतलब है। तो हम क्या करेंगे, प्लस को निकालेंगे, प्लस किसके लिए होगा, ये 9 के लिए होगा ये सिंबल, राइट, हमें पता है कि लेफ्ट साइड में आपका ऑपरेटर होता है, और किसके लिए होता है, जो राइट साइड में होता है उसके लिए होता है। तो प्लस किसके लिए होगा, 9 के लिए होगा, तो प्लस 9 और ये 2 यहाँ पे, ठीक है, 2 प्लस 9, तो आपका क्या हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ये हो गया 11, ओके। उसके बाद प्लस है, ठीक है, प्लस है, फिर आपको पता चलता है कि अब फिर से क्या आपका ओपन पैरेंथेसिस है, ओके, ओपन पैरेंथेसिस है। तो इधर का जो भी पार्ट है, जो भी है, उसको हमें क्या करना होगा, कहीं स्टोर करना होगा, क्योंकि पता है कि हमें पहले इस पार्ट को कैलकुलेट करना होगा, है ना। तो इस पार्ट को हम कैलकुलेट कर लेंगे, तब जाके इधर का जो पार्ट है उसमें हम या तो ऐड कर सकते हैं, या तो क्या कर सकते, उससे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डिपेंड करता है सिंबल पे, ठीक है। तो 11 को हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, और जो भी सिंबल होगा उसको हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट कर दिया, उसके बाद क्या है, आपका ओपन पैरेंथेसिस है, इस पार्ट को हमें पहले कैलकुलेट करना होगा। तो हम यहाँ से फिर से स्टार्ट करेंगे, प्लस 6, ठीक है, यहाँ पे 6 प्लस 8 14 मिल गया। फिर आपको पता चलेगा क्लोज है, यानी ये जो प्रायोरिटी वाली पार्ट है ये ख़त्म हो चुकी है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, जो भी पार्ट हमारा इधर का है उसको इसमें ऐड या तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे किस पे डिपेंड करता है, सिंबल पे करता है, जो इसके लेफ्ट साइड में है। तो प्लस है, प्लस किसके लिए होगा, ये 14 के लिए होगा, प्लस ये हो गया। फिर उसके बाद क्या, 11 है, 11 आप यहाँ पे डाल दोगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे टोटल 25 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ तक आपको 23 था, यहाँ पे प्लस 2 मैंने कर दिया, तो 25 होना चाहिए था, 25 हो गया, है ना। अब ये तो समझ में आ गया आपने ऐसे करा है, ऐसा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर होगा जो प्लस को भी रखे और नंबर को भी रखे, ऐसा कुछ हो सकता है क्या, क्योंकि ये आपका ऑपरेटर है और ये एक नंबर इंटीजर वैल्यू है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, देखो, तो सिंबल को कोई नंबर आपका हैंडल कर सकता है क्या, देखो यहाँ पे आपको प्लस 14 कब मिल सकता है, देखो यहाँ आप ये प्लस किसके लिए लाए थे, इस 14 के लिए लाए थे, राइट। तो ये प्लस आप इस 14 के लिए लाए थे, तो आपको प्लस 14 भी चाहिए, और आपका क्या हो, वैल्यू चेंज भी ना हो, तो कोई ऐसा इंटीजर है जो ऐसा कर सकता है, हाँ है, 1। जब आपका माइनस होगा तो माइनस 1 रख लेंगे, प्लस की जगह हम प्लस 1 रख लेंगे, और माइनस की जगह हम माइनस 1 रख लेंगे, है ना। तो ये हो सकता है, तो ऐसा डेटा स्ट्रक्चर हम यूज़ कोई भी कर सकते हैं जो एक टाइप का हो, ठीक है। देखो जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम होता है ना, तो डेटा स्ट्रक्चर का सब सवाल आता है, तो स्टैक कहीं ना कहीं दिमाग में आता ही है हमारे। जब भी आपका पैरेंथेसिस की बात हो ना, तो स्टैक के बारे में आप सोच सकते हो, तो आप स्टैक का यूज यहाँ पे कर सकते हो। क्या कर, यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, हम जो भी इंसर्ट कर रहे हैं और उसका फर्स्ट 2 को हम यहाँ से निकाल रहे हैं, राइट, यही तो कर रहे थे ना। और हमें यहाँ पे सिंबल का ध्यान रखना है, तो उसके लिए हम एक वेरिएबल यूज कर लेंगे साइन वेरिएबल नेम से, जो कि आपको बताएगा कि प्लस साइन होगा कि माइनस साइन होगा। तो माइनस 1 सब्ट्रैक्ट के लिए, प्लस 1 क्या होगा आपका एडिशन के लिए, राइट। तो अब मैं बताती हूँ कि आपको सॉल्व कैसे करना है, ये तो बस मैंने बताया कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, अब हम कर कैसे सकते हैं इसको। देखो मैं बता रही हूँ आपको फिर से, अब देखते रहना। यहाँ पे हमने जो अभी डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करा था, उसमें मैंने प्लस इंसर्ट कर रखा था, नंबर इंसर्ट कर रखा था, ऐसा तो हो नहीं सकता कोई डेटा स्ट्रक्चर। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, प्लस माइनस के लिए हमें क्या करना होगा, एक साइन वेरिएबल नेम से लेना होगा, जो कि आपको बताएगा कि ये माइनस है या प्लस है। माइनस होगा तो आपका माइनस 1 होगा ये साइन, अदरवाइज ये साइन क्या होगा, प्लस 1 होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ना एक स्टैक यूज़ कर लेंगे, क्या कर लेंगे, एक स्टैक यूज़ कर लेंगे, ठीक है, कर लिया।
तो एग्जांपल फिर से हम 2 + 1 + 4 + 2 - 3 + 6 + 8 ठीक है, ये कर लिया हमने। अब 2 है, हमें ये हमें क्या मिला, देखो अपने को क्या क्या ध्यान रखना है, अपने को प्लस का ध्यान रखना है, अपने को माइनस का ध्यान रखना है, ओपन पैरेंथेसिस का ध्यान रखना है और क्लोज पैरेंथेसिस का ध्यान रखना है, राइट। इन चार चीज़ का तो आपको ध्यान रखना होगा, एक नंबर होगा आपका, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देखोगे कि नंबर है ये, ठीक है नंबर है, तो आप सिंपली इसको ऐड करोगे, एक सम वेरिएबल ले लो जिसमें आप क्या करो ऐड करो, ठीक है। तो सम में आपका अभी क्या हो जाएगा, सम आपका 2 हो गया। और फिर यहाँ पे इस इंडेक्स पे आपको पता चला कि आपको क्या मिला है, आपको यहाँ पे प्लस मिला है, तो साइन क्या करो आप यहाँ पे 1 ले लो, ओके ले लिया। उसके बाद आपको यहाँ इस इंडेक्स पे आओगे तो आपको पता चलेगा कि ओपन पैरेंथेसिस है, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, हमें इस प्लस को और इस 2 को हमें हम क्या कर रहे थे यहाँ पे इंसर्ट कर रहे थे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर इंसर्ट कर रहे थे, तो जो सम है ना उसको इंसर्ट कर लेंगे 2, और उसके बाद प्लस को इंसर्ट कर रहे थे, राइट। मैं जब इससे पहले जो आपको बता रही थी उसमें प्लस इंसर्ट कर रहे थे, प्लस तो हम नहीं कर सकते ना डेटा स्ट्रक्चर में, क्योंकि ये डिफरेंट हो जाएगा, ये ऑपरेटर है, ये आपका ये इंटीजर है, तो इसके लिए साइन के लिए ये प्लस है, इसलिए हम क्या करेंगे, साइन जो हमारा 1 है इसको 1 को यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे, ठीक है। इससे हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है अपना, प्लस 1 होगा तो प्लस होगा, माइनस 1 होगा तो माइनस होगा, राइट। ये हमने इंसर्ट कर लिया है, उसके बाद हम इसको 0 कर लेंगे और इसको क्या कर लेंगे, फिर से 1 कर लेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग में 1 ही होगा अपना, ओके। उसके बाद आप क्या करो, ओपन पैरेंथेसिस मिल गया, अपने 0 कर लिया, अब ये वन आप इसमें इंसर्ट करोगे, 1 हो गया, ठीक है। फिर प्लस है आपका यहाँ पे, तो साइन आपका 1 होगा, ठीक है। फिर आपको क्या मिल जाएगा, इस इंडेक्स पे ओपन पैरेंथेसिस मिल जाएगा। अब यहाँ पे ओपन पैरेंथेसिस मिल गया तो हमें क्या करना होगा, हमें इससे पहले जो भी हमारे पास है उसको यहाँ पे इंसर्ट करना होगा, पहले जो नंबर है सम उसको यहाँ पे इंसर्ट करना होगा, 1 को हमने कर लिया, फिर साइन क्या है 1 है क्योंकि यहाँ पे प्लस है ना, तो यहाँ पे ये 1 होगा। अगर यहीं पे ये माइनस 1 होता ना, नॉट माइनस 1, यहाँ पे ये अगर यहाँ पे माइनस होता प्लस की जगह, तो हम यहाँ पे माइनस 1 लेते हैं, ठीक है। ये आपका साइन है और ये आपका नंबर है, ये आपका साइन है और ये आपका नंबर है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे फिर से आपको ओपन मिल गया था तो इसको आप 0 कर लो, साइन को 1 ही रहने दो। अब प्लस यहाँ पे करोगे 4, नंबर मिला है तो आप 4 यहाँ पे इंसर्ट करोगे, फिर प्लस 5 है यहाँ पे प्लस 5 करोगे, प्लस 2 है, देखो साइन आपका प्लस प्लस ही रहेगा इधर, ठीक है। यहाँ पे 2 है, ये करोगे, यहाँ पे आपको मिल गया, ये 9 मिल जाएगा, 11 मिल गया, ठीक है, 11 मिल गया। 11 मिलने के साथ अब ये आपका क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाना है क्लोज, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्लोज हो चुका है, यानी एक प्रायोरिटी आपकी ख़त्म हो चुकी है, इधर साइड में जो भी होगा उसको हम क्या कर सकते हैं, इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे वो किस पर डिपेंड करेगा, इसका सिंबल किस पर डिपेंड करेगा, इस साइन पर डिपेंड करेगा, राइट। तो 11 को क्या करेंगे, इस साइन को यहाँ से बाहर निकालेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, चूँकि ये यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये माइनस 1 होता, और माइनस 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस 11 होता, राइट। लेकिन यहाँ पे तो प्लस है, तो यहाँ पे हम इसलिए ये 1 है, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 11 हो जाएगा, ठीक है, 11 हो गया। फिर इसके टॉप में क्या है, उसको भी बाहर निकालो, ये टॉप को हटाने के बाद इसको निकालो, फिर इसमें क्या कर दो, ऐड कर दो, ये क्या हो गया आपका 12 हो गया, तो यहाँ तक हमें 12 ही चाहिए ना, 12 मिल गया। उसके बाद क्या, इस इंडेक्स पे आपका क्या है, माइनस है, तो 12 माइनस फिर 3, ये आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको मिलेगा क्लोज, फिर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे क्लोज मिलेगा, ओके। तो इस साइड में जो भी है यहाँ पे, ये प्रायोरिटी जो है ये आपकी ख़त्म हो चुकी है, अब इधर साइड जो भी है इसमें इंसर्ट कर दो। ये कैसे करोगे, तो यहाँ पे साइन होगा सबसे टॉप में, तो साइन को निकालोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, तो प्लस 9 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे इस नंबर को क्या करोगे, ऐड कर दोगे, ये क्या हो जाएगा आपका 11 हो गया। यहाँ तक 11 मिल गया ना आपको, यहाँ तक 11 ही चाहिए था, तो 11 मिल गया, ओके। अब यहाँ पे प्लस है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपका, ओपन है, देखो प्लस है तो ये आपका यहाँ पे अभी तक पॉजिटिव ही रहेगा, प्लस 1 ही रहेगा ये। फिर आपका यहाँ पे ओपन पैरेंथेसिस है, तो इधर जो प्रायोरिटी, इस प्रायोरिटी को कैलकुलेट करने से पहले इधर जितना भी आपने वैल्यू निकाला है उसको इसमें डाल दो, पहले नंबर डालो 11 डाल दो, फिर साइन डाल दो, साइन क्या होगा आपका, यहाँ पे आपका 1 होगा,
तो वन डाल दो यहाँ पे, ठीक है, वन डाल दिया आपने। फिर अपने यहाँ पे क्या करोगे, अब इसको कैलकुलेट करोगे, सम आपका यहाँ पे फिर से जीरो हो जाएगा, 11 आपने यहाँ पर डाल दिया तो सम आपका फिर से जीरो हो जाएगा और साइन वन रहेगा। तो इसमें 6 ऐड करोगे, फिर 8 ऐड करोगे, 14 मिलेगा। फिर आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, क्लोज मिलेगा, क्लोज मिलेगा। तो इधर का जो पार्ट है, इधर जो भी आपने कैलकुलेट करा उसको निकाल के इस 14 में ऐड करोगे। तो ठीक है, पहले हम देख लेते हैं 14 का साइन क्या होगा। तो ये जो साइन होगा, ये अभी यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे प्लस है इसलिए यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो आप 14 इंटू 1 करोगे तो 14 मिलेगा आपको। अब फिर यहाँ से ये टॉप निकालोगे, इसको निकालोगे, फिर इसको निकालोगे, ये प्लस 11 होगा, ये आपका क्या निकल जाएगा, 25 निकल जाएगा, ठीक है। तो 25 आप क्या करोगे, यहाँ पे रिटर्न कर दोगे। तो यहाँ पे जो साइन आप इंसर्ट कर रहे हो ना, टोटली डिपेंड करता है आपका किससे, जो भी ओपन पैरेंथेसिस है उससे पहले आपका क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है या प्लस आ रहा है। माइनस आता तब यहाँ पे माइनस होने डालते हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी आपको ऐसा मिला नहीं ओपन से पहले, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर देखो, अब मैं कोड वाले पार्ट को समझा देती हूँ आपको। यहाँ पे हमने क्या करा है, एक साइज पहले फाइंड कर लिया n, फिर सम जीरो ले लिया, साइन इनिशियल में हमने 1 ले लिया, ठीक है, स्टैक ले लिया इंटीजर टाइप। अब हम क्या करेंगे, इसको देखो लूप एक लेंगे 0 से लेकर n तक, लेस देन n तक, ताकि हम एक एक एलिमेंट को देख सकें, ठीक है। पहले तो आप देखोगे कि इंडेक्स पे क्या क्या आपका जो है नंबर, क्या वो इक्वल्स टू 0 या ग्रेटर देन 0 है क्या, और आपका लेस देन इक्वल्स टू 9 है क्या, या नंबर है क्या। अगर नंबर है तो वो नंबर पहले फाइंड कर लो। तो यहाँ पे आप वाइल लूप यूज़ करोगे, क्योंकि आपका ज़रूरी नहीं है कि 1 डिजिट का ही नंबर हो, 2 डिजिट का भी हो सकता है, 3 डिजिट का भी हो सकता है। तो वो नंबर आप फाइंड कर लो, ठीक है। नंबर आपने फाइंड कर लिया, ठीक है, तो क्या करो, सम में ऐड करो नम इनटू साइन, ठीक है। आपने सम क्या कर लोगे, क्योंकि यहाँ पे आई प्लस प्लस हो रहा है तो एक बार आपको आई माइनस माइनस भी करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, फिर आप जब साइन, आपको ध्यान रखना है कि प्लस है कि माइनस है। जब प्लस होगा तो साइन आपका 1 होगा, जब माइनस होगा तो साइन आपका माइनस 1 होगा, ठीक है। अब आपको ओपन पैरेंथेसिस और क्लोज पैरेंथेसिस में क्या करना है, जब आपको ओपन आएगा तो आपने पीछे जो भी कर रखा है उसको क्या करना होगा, स्टैक में आपको पुश करना होगा। स्टैक में पहले आप पुश कर दोगे क्या, सम कर दोगे, और स्टैक में फिर पुश करोगे आप साइन, क्योंकि साइन ऊपर रहना चाहिए, ठीक है। फिर सम को क्या करोगे, 0 कर लोगे, साइन को फिर से 1 कर लोगे, ओके, ये कर लिया। फिर आप क्या करोगे, आपको अगर क्लोज मिलता है तो आप क्या करोगे, टॉप से निकालोगे, इनटू सम कर लोगे। वही तो कर रहे थे ना यहाँ पे, यहाँ पे क्या कर रहे थे, यहाँ तक 14 मिला था तो इस साइन को बाहर निकाले थे, उसको क्या करते, इसे मल्टीप्लाई कर रहे थे, फिर इस टॉप को निकाल के इसमें ऐड कर रहे थे, राइट, 11 को। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, टॉप निकालना है, सम को इसमें मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि टॉप में आपका साइन है, इससे आपको क्या मिल जाएगा, सम मिल जाएगा। फिर टॉप को वहाँ से निकाल लोगे, फिर सम में क्या करोगे, टॉप को फिर ऐड करोगे, उस टॉप को फिर निकाल लोगे। इससे क्या होगा, आपका सम में आपको टोटल जो कैलकुलेशन है, इवेल्यूएशन है, वो मिल जाएगा। फाइनली आप क्या करोगे, इसमें डन कर दोगे, ठीक है। तो इसकी कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, चूँकि हमने यहाँ पे क्या यूज़ करा है, यहाँ पे हमने एक ही लूप यूज़ करा है, तो ओ एन होगा आपका यहाँ पे, और आप एक एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ कर रहे हो तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी आपकी ओ एन हो जाएगी, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।